फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो हमारे पास ये तीन कलर हैं, तीन कलर के क्रिस्टल्स हैं। एक ग्रीन, देखिए ग्रीन कलर की क्रिस्टल, ग्रीन एंड वाइट। और सेकंड है ये रेड क्रिस्टल। और थर्ड है ये लाइट पर्पल क्रिस्टल। तो जो भी आपको रेजोनेट है होता है आप उसे सिलेक्ट करिए और मैं कार्ड शफल करते करते ही रीडिंग करूँगी। मींस पहले कार्ड पूरे नहीं निकाल रही हूँ, मैं शफल करूँगी और साथ में जो निकलेंगे तो मैं साथ में ही रीडिंग करूँगी। तो हो सकता है ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। रेजोनेट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर रेजोनेट नहीं करता है तो शायद हमारी एनर्जीज मैच नहीं हो रही होगी। तो आप दूसरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं जहाँ आपकी एनर्जी मैच होती हो, आप वहाँ की रीडिंग देख सकते हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए धन्यवाद, कमेंट करने के लिए धन्यवाद और शेयर भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। तो हम देखते हैं क्या क्या आए हैं कार्ड्स में। हम कार्ड सिलेक्ट करेंगे जिसे मैं आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और हमारी रीडिंग सही आए। तो जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ, शैल माई रीडिंग विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उन पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जैसे हमें कि यहाँ मिला है फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और फोर ऑफ सोर्ड्स, तो टैरो से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये जो पर्सन पूछ रहे हो वो आप एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ये एनर्जीज दिख रही है, फायर एनर्जी ज़्यादा है इसमें। तो ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि काफ़ी आप लोग के बीच में वर्बल जो है लड़ाई हुई होगी और काफ़ी इनको ऐसे लगा होगा कि ये जीत गए हैं, पर एक्चुअल में ये काफ़ी वर्बल लड़ाई होने के बाद इनको एक ये थोड़े स्टबर्न टाइप के मुझे लग रहे हैं ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में जो वर्बल लड़ाई हुई होगी, जो बातों से लड़ाई हुई होगी, तो ये जो बात है ये इनको परेशान कर रही है। ये मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स से देखिए, ये हो सकता है ये काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो और काफ़ी इनका रेस्पेक्ट हो सोसाइटी में, ये हो सकता है। और ये बहुत हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं और ये काम के तरफ बहुत फोकस्ड है मुझे लग रहा है। पर अब इनको लग रहा है कि ये जो इस तरह की ऐसी अपनी डिग्निटी से हट के इन्होंने जो ऐसी इस तरह का बिहेवियर किया उससे ये भी खुद भी ऐसे हार्टेड फील कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब, क्योंकि देखिए ये हमें ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है इसके हाथ में ग्लोब है और ये इसको पकड़ा हुआ है। तो ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसने क्या लॉस किया है ये इसको अब समझ में आ रहा है। और जैसे हमें ये फोर ऑफ सोर्ड्स भी आया है जो कि रिवर्स्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो अब इनको थोड़ा सा जो फाइनेंशियल जो इनके काम में भी काफ़ी लॉस और डिफ़िकल्टीज़ मुझे लग रहा है इनको आया होगा। और ये थोड़ा आइसोलेटेड और थोड़ा अकेला भी फील कर रहे हैं ये मुझे इन कार्ड से लग रहा है। तो ये जो हमें आया है टैरो से, अब हम देख लेते हैं प्लेइंग कार्ड से क्या आया है जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनके लिए। एवरी वन इन्वॉल्व,
मैंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और मुझे इससे ये भी लग रहा है शायद ये जो पर्सन है आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, दूर रहते हैं, ये मुझे लग रहा है। ये जैसे थ्री ऑफ डायमंड की एनर्जी है और थ्री ऑफ हार्ट और एट ऑफ डायमंड, तो ये पर्सन जो है ये हो सकता है ये ऑन ऑफ आपका रिलेशनशिप रहा हो, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से हो सकता है। जैसे देखिए ये भी डिस्टेंस का कार्ड आ गया है, तो आप लोग के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी इनके दिल में जो है, दूरियों के बाद भी इनके दिल में देखिए थ्री ऑफ हार्ट्स, इनके ग्रोइंग इमोशंस है, प्यार है इनके दिल में। तो जैसे कि ये फाइव ऑफ डायमंड और एट ऑफ डायमंड जो हमें मिला है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से ये पर्सन, जैसे मैंने बताया आपको डिस्टेंस में तो है, पर ये पर्सन काफ़ी आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, वो आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के इंसान होंगे तो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव मानते हैं। और जैसे कि हमें ये थ्री ऑफ डायमंड है, टू ऑफ डायमंड, मुझे ये भी लग रहा है कि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है, इसलिए ये जो है ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज टाइप के लग रहे हैं ये पर्सन। तो मुझे जैसे ये टू ऑफ डायमंड जो लग रहा है मुझे, ये ज़्यादा शायद आपको मैसेजेस के थ्रू बात करते होंगे, ऐसे होता है फिर अचानक से बंद कर देते होंगे मैसेज करना, ये मुझे इस कार्ड से लग रहा है। और ये काफ़ी जो पर्सन है, आप लोगों के बीच में एनर्जी की जो है वो प्रॉब्लम लग रही है मुझे। मेरे ख्याल से वो वाला प्यार आप दोनों के बीच बढ़ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो अब हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या कार्ड्स आते हैं आपके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो मुझे लग रहा है आप लोग के लाइफ में जो है स्टार कार्ड से, मुझे लग रहा है ये काफ़ी इमोशनली आपसे अटैच्ड है, और कुछ आप लोग के लाइफ में कुछ ऐसे हैप्पीनेस, कुछ एक अलग सा कुछ होने वाला है, अचानक से कोई चेंज आने वाला है जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, कोई नया कुछ होने वाला है, कुछ नया स्टार्टिंग होने वाला है दोबारा। तो ये मुझे इस कार्ड से जो फ्यूचर का मुझे ये लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ लेटर लिखे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ये टू ऑफ डायमंड मिला है, हो सकता है ये आपको कोई मैसेज करे कि ये आपके पास आ रहे हैं, फॉलोड बाय द राइडर। हो सकता है ये पर्सन आपके पास आ रहे हों, पहले मैसेज करे फिर ये आपके पास आए, और कुछ हैप्पी सरप्राइजेस, कुछ हैप्पी न्यूज़ आपके पास आ सकती है, मुझे ये लग रहा है। और जैसे कि हम अब एंजल आंसर से देख लेते हैं, एंजल आंसर में क्या आता है। जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और वो आगे क्या करने वाले हैं, आगे उनका एक्शन क्या है। जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और उनका आगे का एक्शन क्या होगा। जैसे हमें एक कार्ड तो मिल चुका है, फिर हम देख लेते हैं और आता है तो। जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो हमें एक ही कार्ड आया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है ये जो आपकी ईयर फ्रॉम नाउ, ये एक साल या एक साल के अंदर
हो सकता है कि ये जो पर्सन है एक स्टेबल आपके लाइफ में एक चेंज आए, एक स्टेबल फॉर्मेशन हो सकता है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में परमानेंटली ही आ जाए, परमानेंटली ये आप हो सकता है इनसे मैरिज हो जाए या आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए। पर ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा क्योंकि अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है और साथ में हमें लास्ट कार्ड भी क्लब कार्ड आया है तो ये भी शो करता है कि कुछ टाइम लगेगा। कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ सो ऑल माई रीडिंग विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। टू कार्ड मिले वो देख लेते हैं क्या क्या है। अट्रैक्शन एंड कीप एन ओपन माइंड। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये जो पर्सन है ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप जैसा है कीप एन ओपन माइंड, तो हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे टाइप का सीन ना हो पर शायद कुछ ऐसा हो, कुछ अलग हो, आप जैसे सोचे हो वैसा ना हो पर डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे इन कार्ड्स को देख के तो यही लग रहा है। पर कुछ जो है आपके पर्सन को शायद फाइनेंसेस एंड करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो दूर रहते हो, कई दूर वर्क करते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये टू ऑफ वैंड से मुझे लग रहा है कि ये कुछ अच्छे प्रोफेशनल फील्ड में है, शायद हो सकता साइंस के फील्ड में हो, तो काफ़ी इनको ट्रैवलिंग करना पड़ता हो मुझे ये भी लग रहा है, तो हो सकता है कि फाइनेंसेस और करियर के लिए इन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो और इसलिए आप लोग के बीच में ये दूरी आई हो। पर फीलिंग्स है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, तो देख लेते हैं इस कार्ड में। कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ सो ऑल माई रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे स्टार कार्ड से तो यही लग रहा है मुझे कि जैसे देखिए हमें रिग्रेट कार्ड जो आया है तो इनको भी ये दुख है कि ये आपसे दूर हैं और ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इनको भी ये दुख है काफ़ी दूर होने की वजह से ये दुखी भी हैं। देखिए ग्रीफ कार्ड भी आया है, ये काफ़ी दुखी हैं कि हो सकता है आपकी एनर्जी हो उनकी एनर्जी हो पर क्योंकि हम उनके फीलिंग्स के बारे में जान रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी बात का इनको अफसोस है और दुख भी है। ठीक है, तो हमें ये दो कार्ड्स आए हैं। तो ओवरऑल मुझे इन कार्ड्स को देख के मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि क्या है सिचुएशन। तो फाइनली मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं हो सकता है आप दोनों के जो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं समरी आपको ये बता रही हूँ कि जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके लिए ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि आप लोग के जो पास्ट में है कुछ हुआ होगा, बातों में लड़ाई हुई होगी और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है और ये पर्सन प्रोफेशनली अच्छे पोजीशन में है और ये अपने काम की वजह से फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से ये आपसे दूर हो रहता होगा। और जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है और वो आपको अट्रैक्टिव भी सोचते हैं और हो सकता है वो आपके पास कोई नया प्रपोजल लेके आए जिसके कि आपको बहुत खुशी हो, तो ये मुझे लॉकेट कार्ड और ये अट्रैक्शन कार्ड से लग रहा है। और आप लोग के बीच में कुछ फिर से नया शुरू भी हो सकता है और हो सकता है इनका कोई आपको दोबारा मैसेज आए, इनका कोई मैसेज आए आपको, जो ऑन ऑफ आपका चल रहा था ऑन ऑफ आपको ये मैसेज करते थे फिर बंद हो जाता था ऐसे, क्योंकि देखिए इनका अट्रैक्शन है, फाइव ऑफ डायमंड आया है, ये लॉकेट कार्ड भी है, अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, तो ये अभी इनको शायद टाइम नहीं मिल रहा होगा तो ये आएंगे आपके पास ज़रूर। और
जैसे कि हमें ये लेटर कार्ड भी आया है, तो हो सकता है इनका मैसेज आए और ये आपको अचानक से सरप्राइज दे और ये खुद आ जाए, ये मुझे इस राइडर कार्ड से लग रहा है। तो ये आपके लिए बहुत हैप्पी सरप्राइज आने वाला है इन फ्यूचर, तो कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि अचानक से जो सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको, ये इस कार्ड से भी लग रहा है। इनको भी ये दुख है कि ये आपसे दूर है, इनको रिग्रेट है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, शायद वो ये इसे सॉल्व करने के लिए आ रहे हो। और ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मुझे ये भी लग रहा है। और उनका जो स्पेशल मैसेज है वो देख लेते हैं क्या है, आपके जो पर्सन जो स्पेशल मैसेज है वो देख लेते हैं। जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पर्सन का स्पेशल मैसेज क्या है। ओ तो बहुत सारे आ गए, आई लव यू, तो आपके पर्सन का ये मैसेज है कि ही और शी लव्स यू एंड यू आर ब्यूटीफुल। तो हमें जो अट्रैक्शन कार्ड से भी आया है, यू आर ब्यूटीफुल, जो मैंने आपको बताया था, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, इसलिए वो आ रहे हैं आपके पास वापस, वो आपको मैसेज कर रहे हैं, वो आपके पास वापस आ रहे हैं। यू आर एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट, तो वो जो आपके आपसे चाहते हैं उनमें आपके अंदर वो सब कुछ है, वो इन्हें लगता है। जैसे स्टार कार्ड से भी आया है, वो आपकी वैल्यू करते हैं, कभी कभी उनको आपको ऐसे उनको लगता है कि प्यार में ही उनको लगता है कि आई हेट यू, कभी कभी वो गुस्से में इस तरह भी बोलते हैं, आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन टू यू। देखिए ये जो लड़ाई वर्बल लड़ाई हुई है तो उसके वजह से वो गिल्टी फील करते हैं, उनको रिग्रेट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ग्रीफ है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है उसके लिए वो गिल्टी फील करते हैं। माई लास्ट विश योर हार्ट बी ऑल माइन, तो इनका विश है कि जो आपका प्यार वो पूरी तरीके से पाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, तो ये बी विथ यू, तो देखिए ये लेटर और राइटर के फॉर्म में ये आ रहे हैं आपके लाइफ में। आई रिग्रेट यू आर नॉट विथ मी, देखिए ये नाइन ऑफ क्लब से मैच कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये दूर है, तो इनको ये रिग्रेट है, जो रिग्रेट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, इनको रिग्रेट है कि ये आपके साथ अभी नहीं है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। एंड आई मिस यू, आपको बहुत मिस करते हैं। माई हार्ट बीट रेजेस व्हेन आई सी यू, तो ये तो डेफिनेटली इन कार्ड से दिख रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, भले ही आपसे दूर हो पर दिल के आप इनके करीब है। तो आप दोनों का जो प्यार है वो लव एंड हेट की तरह है, कभी कभी आप दोनों के साथ बहुत लड़ाई होती है, फिर कभी कभी बहुत प्यार होता है। तो मेन मुझे इस रिलेशनशिप में लग रहा है कुछ डिस्टेंस हो गया है, ऐसे मुझे इन कार्ड से लग रहा है। तो फ्यूचर में जो है, फ्यूचर एक्शन क्या लेने वाले हैं, वो आपको कोई किसी तरह का मैसेज करने वाले हैं, कुछ लेटर लिखने वाले हैं, या हो सकता है वो डायरेक्टली आपको सरप्राइज देकर आपसे मिलने आ जाए, ये हो सकता है। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स, तो अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं करती है तो शायद हमारी एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये रेड कलर की स्टोन चूज़ की है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज की है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ, सो ऑल माई रीडिंग विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज किया है
पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज किया उन पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जो हमें मिला है इसमें टैरो में फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है ये अभी पास्ट में मुझे लग रहा है एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थे। आप इनको बहुत प्यार दे रहे थे पर ये आपको उतना रिवर्ट नहीं कर रहे थे। और ये जो पर्सन है ये ज़्यादा नेगेटिव, जो खाली कप से देखिए इनको देख रहे हैं और भरे कप को इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये इनके पास जो है ये उनसे सेटिस्फाइड मुझे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है उनको थोड़ा सा बोरियत टाइप का लगने लगा होगा पास्ट में। और तो इस कार्ड में मुझे थोड़े से लग रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये थोड़े सेटिस्फाइड नहीं है और थोड़े दुखी लग रहे हैं। इनको ऑफ़र किया जा रहा है प्यार फिर भी ये नहीं ले रहे हैं। और जैसे कि ये हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स वो रिवर्स्ड, तो ये सिग्निफाई करता है एक ऐसा पर्सन जो कि 40 इयर्स के आसपास हो और ये थोड़े से डोमिनेंट टाइप के हो सकते हैं और स्ट्रिक्ट भी है और थोड़े अचानक से ये गुस्सा हो जाते होंगे, इस तरह के पर्सन हैं ये। और ये आपके साथ आर्गुमेंट्स भी करते होंगे और ये थोड़े इतने मैच्योर्ड पर्सन, ये 40 इयर्स के आसपास या ऐसे होंगे पर ये इतने मैच्योर नहीं लग रहे हैं मीन्स थॉट्स में, क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है जिसके बारे में पूछ रहे हो कैप्रिकॉन हो सकते हैं और वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो जैसे ये हमें मिला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो इससे लग रहा है कि आप लोग के जो रिलेशनशिप में है थोड़ा हार्डवर्क की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो आप चाहें तो आप दूसरों से एडवाइस भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये पर्सन थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा, ये थोड़ा आर्गुमेंटेटिव टाइप का है और ये अपने आप को थोड़ा सुपीरियर भी सोचते होंगे दूसरों से ज़्यादा। तो इनके मन में मुझे ये वाली फीलिंग्स लग रही है इस टैरो कार्ड से। तो हम प्लेइंग कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज़ किया है, आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड हायर सेल्फ्स, ऑल माय रीडिंग विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है। जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है। सेवन ऑफ डायमंड, टू ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट, नाइन ऑफ हार्ट, एट ऑफ क्लब्स और एस ऑफ क्लब्स। ओके, तो ये हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स हो या उनकी फीलिंग्स हो, पर जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो मुझे लग रहा है वो चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करे, वो ये चाह रहे हैं पर वो इतना वर्क नहीं कर रहे उसके ऊपर। वो ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, पर ये एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल लेवल में वो चीज़ को नहीं ला रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और वो आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, पर ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन हो सकता है कि थोड़ा सा वर्क में बिज़ी हो, ये भी हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इमेजिनेशन की दुनिया में ज़्यादा रह रहे हैं और ये कोई प्रैक्टिकली ये कुछ ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। इनका जैसे ये जो नाइन ऑफ
हार्ट है, विश कार्ड है और सेवन ऑफ डायमंड से यही लग रहा है मुझे कि ये करना चाहते हैं पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं कि ऐसे होने से ऐसे हो जाता है। देख लेते हैं एंजल आंसर से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जिन लोगों ने नेक्स्ट रेड स्टोन चूज किया है उनके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। कॉल अपॉन एंजल्स माय हायर सेल्फ सॉल्व माय रीडिंग विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड इन योर तो जैसे कि हमें एंजल आंसर से आया है लुक फॉर साइन आस्क योर एंजल यस और रिमेन पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन से कुछ पॉजिटिव साइन आने वाला है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आप लाइफ में। हो सकता है ये जो पर्सन है जिसमें कि किंग ऑफ वांड्स रिवर्स्ड की एनर्जी है, ये जो बातों बातों में जो लड़ाई करते हैं या ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं आपके प्यार को, वो अब शायद ये अपना लेजीनेस ये जो है, क्योंकि ये जो जैक ऑफ हार्ट है ये फ्यूचर की तरफ देख रहा है, तो लग रहा है कि आपको कुछ प्रपोजल देने वाले हैं, कुछ कम्युनिकेशन करने वाले हैं जो पहले ये इतना एफर्ट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में और खुद इमेजिन ही किए जा रहे थे कि ऐसे होने से ऐसा होता, तो वो अब ये छोड़ के अब ये आपके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, मुझे इनके एक्शन में ये लग रहा है। तो एंजल्स का भी आंसर है कि आस्क योर एंजल्स, क्योंकि आप हो सकते हैं आप अगर अपने भगवान अपने जो लॉर्ड है आप उनको अगर प्रे करेंगे तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। और लुक फॉर अ साइन, हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे हो अभी पर किसी तरह से साइन लैंग्वेज में ये कुछ आपको मैसेज ऐसे करे या कुछ ऐसे सोशल मीडिया में आपको कुछ मैसेज करे जिससे आपको पता चले कि ये अभी भी आप पे इंटरेस्टेड है। तो देख लेते हैं रोमांस एंजल में, आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड माय हायर सेल्फ सॉल्व माय रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्वड। जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो हमें ये तीन कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आया है वेरी सून, देखिए वेरी सून भी आया है और साथ में हमें यहाँ भी आया था रिमेन पॉजिटिव। तो वेरी सून आपके लाइफ में ये पर्सन का कुछ मैसेज आने वाला है या आपके लाइफ में ऐसे आने वाले हैं वेरी सून, ये आपके जैसे इन कार्ड से लग रहा है कि ये क्लियरली अब ये डिसाइड कर लेंगे कि इनको क्या चाहिए और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं ही, क्योंकि देखिए ये आस्क योर एंजल कार्ड भी आया है, तो आप अपने जो गॉड है आप उनसे लॉर्ड है आप उनसे प्रे करिए कि सारा जो सब कुछ हो पॉजिटिव हो और आपको खुद भी पॉजिटिव रहना है। हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपसे अब कमिटमेंट करने को तैयार हो जाए, हो सकता है इनसे फ्यूचर में आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं इन कार्ड्स में कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है या आपके पर्सन जो है जिन्होंने रेड चूज किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जैसे कार्ड्स तो मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, ये पर्सन अब चेंज होने वाले हैं, मीन्स अगर आपको पहले इतना ये टाइम नहीं दे रहे थे अब ये आपको देंगे और अगर आपसे दूर भी हैं अब आपको इनका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स
भी आने वाला लग रहा है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमोनी इन टू माई वर्ल्ड एंड डू सो विदाउट जजमेंट। तो ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप इनके साथ हैं। तो अभी ये जो चीज़ों पे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे टू ऑफ डायमंड भी एक बैलेंस का कार्ड है, तो ये बैलेंस बनाएंगे अब सिचुएशन में और ये आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इनकी ये करंट फीलिंग्स तो मुझे ये लग रही है। लेनोमार्ड में भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जिन लोगों ने रेड चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने रेड चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो हो सकता है कि ये पहले किसी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पहले किसी दूसरे रिलेशनशिप के वजह से ये आपको हर्ट किए हो या आपका जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किए हो, पर अब जो आपके लाइफ में जो ये परेशानियां आई थी वो अब हटने वाली है, क्योंकि ये पर्सन जो है हो सकता है ये आपके बारे में दिन रात ऐसे सोचता हो कि कैसे मैं इस परेशानी को दूर करूं। और इनको ड्रीम्स, आपको ये शायद ड्रीम्स वगैरह में भी आपके आते होंगे, और मुझे ऐसे लग रहा है कि साइकोलॉजिकल वे में भी आप लोग कनेक्टेड हैं, ये हो सकता है। और हो सकता है ये जो पर्सन है इनका शायद किसी और के साथ अफेयर होने की वजह से आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स आई होगी। और ये जो माउंटेन कार्ड से भी मुझे ये लग रहा है कि अब जो ये ऑब्स्टेकल्स है उसको कुछ आपको सीक्रेट पता चला होगा, कुछ हिडन जो था वो पता चला होगा, पर अब मुझे आगे ये लग रहा है कि किस्मत आपके साथ है और उनको ये शायद अब फील हो गया है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और शायद ये जो अपना पुराना जो अफेयर है उसको छोड़ के वो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हमें कार्ड्स है वेरी सून आपके लाइफ में कुछ होने वाला है ऐसे पॉजिटिव। तो एंजल्स का यही आंसर है कि आप पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जैसे दो कार्ड आ गए हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे आपको कूलली बात करना है, क्योंकि पहले हो सकता है पहले ये जो पर्सन था इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं था और ये आपसे लड़ाई वगैरह भी होती थी, शायद इस थर्ड पर्सन के वजह से होती होगी। तो यस, ये आपके पास आने वाले हैं और पहले तो ये लुक फॉर साइंस, आपको साइंस के थ्रू जैसे फेवरेट, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको कांटेक्ट करें। और ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब बैलेंस होगा, जैसे कि लास्ट में हमें क्लोवर कार्ड आया है, तो ये आप लोग का जो इमोशंस है वो अब बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। और फ्यूचर में हो सकता है आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, या हो सकता है इस पर्सन से, जो थर्ड पर्सन से इनकी एंगेजमेंट हो गई हो और फिर भी ये आपके पास फिर भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। तो अगर आप प्रे करें गॉड को तो ये पक्का आपके पास वापस आ सकते हैं। तो मुझे ये यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी हो सकते हैं एंगेज्ड हो और ये आपके पास फिर भी आना चाह रहे हैं, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मिला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी हमें कभी कभी बताता है कि आपके पर्सन जो है वो शायद किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पर्सन, जिन लोगों ने रेड चूज़ किया है, तो ये स्पेशल हैंड रिटन मैसेज है, तो देख लेते हैं उसमें क्या आता है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। चूज़ कर लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने ये रेड चूज़ किया है उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं।
और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है आपको अपने एंगेजमेंट की जो बात है वो छुपा के रखे हों, ये भी हो सकता है। और फिर बाद में इन्होंने आपको बताया हो, क्योंकि इनको पता चला हो कि इनके मन में भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। और देखते हैं क्या मैसेज आया है। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन टू यू। मैंने आपको बताया कि ये पर्सन गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने पहले जो आपसे थे लड़ाइयाँ की, थर्ड पर्सन की वजह से उनके लिए गिल्ट फील करते हैं। आई रिग्रेट यू आर नॉट विथ मी। तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि आप इनके साथ नहीं हैं। वो आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, यू आर ब्यूटीफुल। आपको जैसे ये लेडी कार्ड से आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यू आर ब्यूटीफुल, प्लीज़ मैरी मी। अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो देखिए जैसा मैं आया था, हो सकता है कि इन्हीं से आपकी एंगेजमेंट हो। आई लव योर स्माइल, उनको आपकी स्माइल पसंद है। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट यू, तो उनको अब आप में सब कुछ पसंद है। अब वो जो तो उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि अब वो आप अब वो इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं रहेंगे, वो आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके दिल में भी प्यार है और वो एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है वो वर्क करेंगे अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एक पॉजिटिव नोट क्लोवर में ख़त्म हुआ है, तो आप लक आपके साथ है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और कूल रहना है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड माय हायर सेल्फ, सॉल्व माय रीडिंग विद दिस कार्ड्स, बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन चूज किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन चूज किया है उन पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन लोगों ने पर्पल स्टोन चूज़ किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने पर्पल स्टोन चूज किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो हमें ये चार कार्ड मिल चुके हैं। एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज हो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं और अर्थ साइन ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ये हो सकता है बहुत अच्छे रेपुटेड पोजीशन में हो। जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो ये काफ़ी रेपुटेड पोजीशन में हो और काफ़ी मैच्योर टाइप के भी ये हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये पर्सन जो हो सकते हैं 40 इयर्स के आसपास भी हो सकते हैं, और 30 to 40 इयर्स के आसपास ये हो सकते हैं। तो हो सकता है आपके पास ये जो पर्सन है ये कुछ ऑफ, ये जो है फोर ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने ये फाइनेंशियली मुझे काफ़ी स्टेबल टाइप के लग रहे हैं ये जो पर्सन है। पहले हम इस पर्सन के थॉट्स देखेंगे फिर हम जो करंट फीलिंग्स है उस पर आएंगे। तो ये पर्सन में जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये बिजनेस और फाइनेंशियली ये प्रॉस्पर है, और मुझे ये भी लग रहा है कि इमोशनली जो है ये आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं। और पर ये है कि ये अपने जो फीलिंग्स है उनको ठीक तरीके से शेयर नहीं करते होंगे, ये अपने अंदर छिपा के रखते हैं, ये बता नहीं पाते होंगे या बताते नहीं होंगे। और ये भी दिखाता है कि ये
पॉजिटिव भी हैं अपने चीज़ों को लेकर। और जैसे कि हमें ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको ऑफ़र करते होंगे, आपको गिफ्ट्स ऑफ़र करते होंगे। जब आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपको गिफ्ट ऑफ़र करते होंगे, और ये काफ़ी काइंड हार्टेड भी हो सकते हैं। तो ये मुझे इनके बिहेवियर पैटर्न से ये लग रहा है कि टैरो कार्ड से कि इनकी थॉट ये है। देख लेते हैं इससे प्लेइंग कार्ड से। आई कॉल अपन एंजल एंड माई हायर सेल्फ सॉल्व माई रीडिंग विद दिस कार्ड्स पे एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन लोगों ने पर्पल स्टोन चूज़ किया है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है और आगे का एक्शन क्या है। जिन व्यूअर्स ने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है और आगे का एक्शन क्या है। जिन लोगों ने पर्पल स्टोन चूज़ किया है उन पर्सन के देख लेते हैं। तो मुझे तो ऐसे इतना ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव, और आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। जैसे यहाँ पर भी हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर मिल रहा है, ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल पर्सन है और ये जो है ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव सोचते हैं और इसलिए इनका प्यार और आपके लिए और बढ़ते रहता है। तो इनकी करंट फीलिंग्स ये मुझे लग रही है, और इनको ये भी लगता है कि आपके आने के बाद इनके लाइफ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। आपके साथ पार्टनरशिप करना इनके लिए खुश नसीबी है, इनको ये भी फील होता है। और देख लेते हैं हम इसमें कि उनका आगे का एक्शन क्या है। और आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आगे का एक्शन क्या है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, हमें सन कार्ड आया है ना, सन कार्ड बताता है और साथ में एम्परर भी है। तो मुझे ये लग रहा है ये जो मैंने आपको बताया पहले भी कि काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है ये पर्सन। जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो आपके करंट फीलिंग्स पता कर लेते हैं कि पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। द जेंटलमैन, द चाइल्ड, द गार्डन, द हाउस एंड द लॉकेट। तो ये तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव रीडिंग लग रही है। हो सकता है आपके ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हैं और इसी पर्सन के साथ, और आपके लाइफ में हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ हो, चाइल्ड आने वाला हो, और खुशियाँ तो आपके लाइफ में है ही। मुझे जैसे ये लग रहा है ये गार्डन कार्ड से कि आपके लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी खुशियाँ आने वाली है फ्यूचर में, और आप काफ़ी आगे वाला जो टाइम है काफ़ी जॉय, ब्लिसफुल और एन्जॉयमेंट से भरा हो सकता है। हो सकता है आप आगे अपना घर खरीदे, ये भी हो सकता है। और ऑलरेडी ये जो पर्सन है ये बहुत ही प्रभावशाली इंसान है, मुझे ऐसे ये फील हो रहा है इन कार्ड से। तो मुझे ऐसे कुछ खास इनमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपके रिलेशनशिप में अभी तक। तो हम रोमांस एंजल में देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने ये पर्पल चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये देखिए सोलमेट, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है।
और जैसे कि यहाँ हमें नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर आया है, उससे मुझे ये फील सा आ रहा है कि हो सकता है इनके आपके फैमिली में या इनके फैमिली में कोई ऐसा हो जो बहुत ही ऐसा कोई बुज़ुर्ग हो या ऐसे कोई बड़ा व्यक्ति हो जो एज में बड़ा हो और उसका ज़्यादा चलता हो, घर में डिसीशंस उसके ज़्यादा माने जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनेंशियली भी ये जो है ये पर्सन काफ़ी सही लग रहा है। जैसे कि हमें सोलमेट कार्ड आया है, ऊपर से ट्रू लव भी आया है। देखिए ट्रू लव केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच का जो है रिलेशनशिप, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं इसमें। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये चूज़ किया है पर्पल, तो ये मुझे लग रहा है आप लोग का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आप दोनों का जो केमिस्ट्री है बहुत स्ट्रांग है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। जैसे कि ये वाला जो फाइव ऑफ डायमंड है, ये कार्ड भी बताता है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये देखिए फोर ऑफ पेंटिकल से ये लग रहा है। और साथ में अगर कुछ है ऐसे कंट्रोल इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच में, तो आप वो जो है वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। और आप दोनों के बीच में एक यंग जैसे यंग कपल्स के बीच में जो होता है, आपको हमेशा लगता है कि ये प्यार आपके लिए नया है। मीन्स कि आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, हमेशा कभी ये प्यार पुराना नहीं होता, मुझे ये फीलिंग आ रही है आपके इन कार्ड्स को देखकर। तो आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे भी कनेक्टेड हैं और ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी से भी बात कर लेते होंगे, ये कनेक्शन से ये कार्ड से मुझे लगा। तो जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है, पर्पल स्टोन, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स क्या है, एक कार्ड ले लेते हैं इससे भी। एंजल का क्या आंसर है जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है? करंट फीलिंग क्या है? तो आया है रोमांस कार्ड, यस बी असर्टिव, देयर आर समथिंग बेटर। तो आप जो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लाइफ में और भी इससे अच्छे पल आने वाले हैं। तो आप जो कंट्रोल इश्यूज़ के वजह से जो आपने होल्ड बैक किया हुआ है, तो वो आपको छोड़ना होगा और आपको पॉजिटिव रहना होगा, बी असर्टिव। और यस यस, ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो ये वापस ज़रूर आने वाले हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स तो है ही, आप लोग के बीच में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में इस कार्ड से भी देख लेते हैं सोल जर्नी से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे तो ये लग रहा है कि वो आपके लिए कोई ऑफर लेके आने वाले हैं, हो सकता है मैरिज प्रपोजल हो, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे ये जैसे फोर ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को बांध के रखना चाहते हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं, क्लोज टू हार्ट रखना चाहते हैं, अपने दिल के पास रखना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की, जिन लोगों ने ये पर्पल चूज़ किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? थोड़ी सी जो जैसे मैंने कहा, ये जो कंट्रोल इश्यूज है जिसके वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आपके लाइफ में, वो आपको हटाना होगा जिससे कि आपके लाइफ बिल्कुल ब्लिसफुल हो जाए। और भी देख लेते हैं और कुछ कार्ड आता है। और तो इसमें कार्ड नहीं आ रहा है तो उसी को ले लेते हैं। तो जैसे कि इसमें जो मुझे नेगेटिव बस यही लग रहा है कि
आप जो आपको पॉजिटिव रहना है और जो भी कंट्रोल इश्यूज है आप दोनों के बीच में वो आपको सॉल्व करना है। और यहाँ चाइल्ड से रिलेटेड कुछ है इश्यू, यहाँ भी हमें चाइल्ड कार्ड मिला है और यहाँ भी चाइल्ड कार्ड मिला है, पर जो सन कार्ड है वो पूरे जैसे सन की रोशनी से चारों तरफ उजियारा फैल जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी सन कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ वरीज हैं, तो वो सॉल्व होने वाले हैं। तो आपके पर्सन से हम देख लेते हैं उनका स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए, हैंड रिटन मैसेजेस है, देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो स्पेशल मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। जिन्होंने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं आपको। माई लास्ट विश योर हार्ट बी ऑल माइन, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको आपके और अपने रिलेशनशिप को सजो के रखना चाहते हैं, क्लोज टू हार्ट रखना चाहते हैं। तो यही वाला हमारे इसमें भी आया है, माई लास्ट विश दैट योर हार्ट इज माइन, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। अगर उन्होंने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि आगे वो क्या करेंगे, तो सॉरी, तो वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। यू आर ब्यूटीफुल, जैसे हमें भी ये यहाँ पर भी कार्ड आया है कि यू आर ब्यूटीफुल, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी है और फ्लर्ट है, तो यू आर ब्यूटीफुल उनको ये लगता है। यू मेक मी स्माइल, तो देखिए ये कार्ड मैच कर रहा है इसके साथ, यू मेक मी स्माइल, वो आप तो जैसे मैंने कहा तो वो सॉरी भी फील करते हैं, अगर वो आपको हर्ट किए हैं तो वो सॉरी भी फील करते हैं। और भी जो कार्ड है, आई कीप वॉचिंग यू, तो हो सकता है ये अगर आपसे दूर है तो ये आपको सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से आपको ट्रैक करते रहते हैं। आई फील हार्ट ब्रोकन, तो क्योंकि मैंने कहा जैसे कि ये आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप शायद किसी और से अगर बात भी करते होंगे तो ये फिर से ऑफेंडेड से हो जाते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो जिन लोगों ने ये पर्पल चूज़ किया है उनके लिए यही रीडिंग है कि ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम है, और अगर ये इन्होंने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया है तो ये आपको प्रपोज करेंगे, और ये एक अच्छे पोजीशन में भी हैं। और कुछ आपके घर में चाइल्ड रिलेटेड है इशू, हो सकता है चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इशू मुझे लग रहा है। और बाकी जो कार्ड्स हैं सारे पॉजिटिव है, ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, और इनके आगे का एक्शन यही रहेगा कि ये आपको प्रपोज करेंगे, और अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो भी ये इसे आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रपोजल इन्हीं के तरफ से आएगा मुझे ऐसे लग रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, थैंक यू।